मैं हूं आपके साथ शिल्पी मिश्रा। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। और सबसे पहली खबर जगदलपुर से। जगदलपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रेखचंद जैन के मिलनसार छवि से प्रभावित होकर बजरंग दल से जुड़े युवाओं ने कांग्रेस भवन पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दंतेवाड़ा में बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय नामांकन भरने वाले चेत राम अटामी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अटामी ने प्रदेश प्रभारी अनिल जैन और प्रदेश अध्यक्ष रमन सिंह से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया और पार्टी हित में काम करने की बात कही। सेनवा में शरद पूर्णिमा बड़े ही आनंद उत्सव के रूप में मनाई जाती है। बुधवार को भी शरद पूर्णिमा के मौके पर यहां बड़ी मात्रा में खीर बनवाकर बांटी गई। सेनवा में शरद पूर्णिमा उत्सव को लोग बड़े ही आनंद के साथ मनाते हैं। बुधवार को भी यहां शरद पूर्णिमा इसी तरह मनाई गई, जिसके अंतर्गत दिनेशगंज दारू गोदाम एकता संगठन ने बड़ी मात्रा में खीर का प्रसाद बनवाया और रात को 12 बजे भजन कीर्तन के बाद बंटवाया, जिसमें हजारों लोगों ने पहुंचकर खीर का प्रसाद ग्रहण किया। ये माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर अमृत वर्षा होती है, इसलिए खुले में खीर बनाकर इस प्रसाद को बांटा जाता है। यह आयोजन मनोकामनेश्वर मंदिर में रखा गया था, जहां देर रात तक भजन कीर्तन हुए और बाद में खीर का प्रसाद बांटा गया। संगठन यहाँ पर स्थित मनोकामनेश्वर मंदिर में प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमने शरद पूर्णिमा पर खीर प्रसाद का आयोजन रखा गया है। इसमें 8 बजे से मंदिर के अंदर भजनों की प्रस्तुति चल रही थी और 12 बजे भगवान को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया जाएगा। गढ़ाकोटा के रतनारी गाँव से एक ही परिवार के 10 लोगों के बीमार होने की खबर सामने आई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गढ़ाकोटा के रतनारी गांव से मावा खाकर बीमार होने का मामला सामने आया है। जी हां, बुधवार को शरद पूर्णिमा के मौके पर एक परिवार ने प्रसाद के रूप में मावा खाया, जिससे सभी की तबीयत बिगड़ गई। बच्चे महिलाओं सहित 10 लोगों को उल्टी दस्त होने की शिकायत बताई जा रही है। बाद में उन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। वहीं मौके पर गढ़ाकोटा थाने से थाना प्रभारी आर.ए. चौराहा भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरीजों को देखने पहुंचे। बताया गया है कि जो पुणे में प्रसाद बांटा गया तो एक परिवार ने वो लड्डू मावा खा लिया, वो प्रसाद के वजह से उनको उल्टी दस्त हो गए, पॉइजन का केस बन गया। कितने लोग हैं सर? 10 लोग। तो रेफर करने लायक भी है क्या? अभी तो अपन इलाज कर रहे हैं, देखते हैं कंडीशन। देश और प्रदेश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए समय समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा कई प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। इसी कड़ी में अशोकनगर जिले की कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मंजू शर्मा ने अपने पेंटिंग से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अशोकनगर जिले की कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मंजू शर्मा ने मतदाताओं को जागरूक करने का एक अलग ही तरीका अपनाया है। उन्होंने महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपनी कला का उपयोग किया है। अपनी बनाई पेंटिंग के बारे में कलेक्टर डॉक्टर शर्मा ने बताया कि आंकड़ों की बात करें तो मतदान में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम रहती है, जबकि आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को जागरूक करने के लिए अलग अलग प्रयोग करने के बाद कुछ अलग हटकर योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि कलेक्टर डॉक्टर शर्मा को पेंटिंग का बचपन से ही शौक है। उन्होंने अब तक कई नायाब पेंटिंग बनाई है जो देखते ही बनती है। अलीराजपुर जिले की अम्बुआ थाना पुलिस पर एक युवक ने गंभीर आरोप लगाया है। युवक की माने तो उसकी जमकर पिटाई की गई है, जिसमें उसका एक हाथ टूट गया है। इस पूरे मामले को लेकर युवक माधव ने SP विपुल श्रीवास्तव से इसकी शिकायत की है। ये टूटा हाथ और शरीर पर घाव बता रहे हैं कि आखिर इस युवक के साथ अम्बुआ पुलिस ने कैसी पूछताछ की है। आपको बता दें कि युवक माधव एक ड्राइवर है। माधव का आरोप है कि उसके साथ पुलिस ने जबरन मारपीट की है और मारपीट में ही उसका एक हाथ भी टूटा है। पुलिस ने जब माधव को छोड़ा तो उसने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसी सिलसिले में माधव बुधवार को अलीराजपुर SP के पास पहुंचा और इंसाफ की मांग की, जिस पर एक्शन लेते हुए SP ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अम्बुआ थाने में पदस्थ आरक्षक रमेश अजनार को तत्काल निलंबित कर दिया है और मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। अभी एक व्यक्ति द्वारा ये शिकायत की गई कि अम्बुआ में एक आरक्षक द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। गंभीर शिकायत होने के कारण उसमें आरक्षक को अभी निलंबित किया गया है और प्राथमिक जांच इसमें की जा रही है। भिंड के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में भी तोड़फोड़ की, वहीं डॉक्टर ने
सिटी कोतवाली में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। भिंडी के अस्पताल में महिला मरीज सुषमा भदौरिया की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिस पर गुस्साए परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर की पिटाई कर अस्पताल में भी तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप था कि महिला के उपचार में लापरवाही बढ़ती गई है। इस मारपीट में महिलाएं भी पीछे नहीं रही, उन्होंने पुरुषों के साथ मिलकर डॉक्टर आर के अग्रवाल की पिटाई की। इस दौरान पास में खड़ा गार्ड मूक दर्शक बना देखता रहा। तोड़फोड़ की घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रात को एक महिला 21 तारीख से भर्ती थी और उसको ब्लड दूसरा पॉइंट लगा था, उसके बाद है ना वो खत्म होने के बाद ब्लड एकदम से वो शॉक में चली गई। मैं गया, मैंने उसको ऑक्सीजन और जो इंजेक्शन वगैरह लगवाए और उसको तत्काल ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया। अमरवाड़ा के पोनार गांव के तालाब में एक अज्ञात महिला की लाश मिली है। गांव वालों ने जैसे ही लाश को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची अमरवाड़ा पुलिस ने शव को तालाब से निकाला और पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। मृतक महिला की पहचान मानव वीके के रूप में की जा रही है, जो कि रात में खेत से घर नहीं लौटी, तभी से उसकी तलाश जारी थी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच में जुटी है। दमोह शहर में बुधवार को एक्टिवा टू व्हीलर गाड़ी की डिक्की से 4 लाख रुपए जब्त किए गए। जानकारी के मुताबिक विधानसभा के उड़न दस्ते को जानकारी मिली थी कि एक युवक एक्टिवा गाड़ी में 4 लाख रुपए लेकर घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस ने युवक से पूछताछ की और 4 लाख रुपए जब्त कर लिए। रुपयों के साथ पकड़े गए युवक का नाम सपन जैन बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। बिलासपुर के सिंधी कॉलोनी स्थित मकान में देर रात दबिश देकर पुलिस ने 16 पेटी पटाखा जब्त किया। बिलासपुर पुलिस ने ये कार्रवाई मुखबिर से सूचना मिलने पर की। बिलासपुर पुलिस ने एक मकान से 16 पेटी पटाखे जब्त किए हैं। अज्ञात व्यक्ति की सूचना पर सिंधी कॉलोनी निवासी रामचंद्र बजाज के 2 मंजिला मकान पर सिविल लाइन पुलिस ने दबिश देकर मौके से 16 नग कार्टून बरामद किए। साथ ही पटाखा व्यवसायी द्वारा किसी भी तरह के दस्तावेज पेश नहीं कर पाने के कारण पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के चलते पटाखा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़वा के मंडी प्रांगण में निर्वाचन पाठशाला का आयोजन किया गया। निर्वाचन पाठशाला में जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह ने सभा को संबोधित किया। आने वाले विधानसभा चुनावों को सफल बनाने के लिए हर कोई कोशिशों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में बड़वा के मंडी प्रांगण में निर्वाचन पाठशाला का आयोजन किया गया। इस पाठशाला में जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह ने पाठशाला में सभी को संबोधित करते हुए रिटर्निंग अधिकारी से लेकर बीएलओ द्वारा की जाने वाली तमाम प्रक्रियाओं के बारे में बताया और कहा कि निर्वाचन का कार्य हम सभी के कंधों पर है। साथ ही सिंह ने कहा कि मतदान कराने में बीएलओ आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप लोगों के द्वारा गांव के एक एक मतदाता को मतदान करने के लिए प्रेरित करना होगा, साथ ही उन्हें बिना लालच के मतदान में अपनी भूमिका निभाने की बातें बार बार बतानी होगी। इस दौरान मतदाता जागरूकता रैली को श्री सिंह ने हरी झंडी भी दिखाई। छिंदवाड़ा शहर के रेलवे स्टेशन पर देर रात तब हड़कंप मच गया जब एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक रैक पॉइंट पर खड़ी मालगाड़ी पर चढ़कर पतंग लूटने गया था, तभी वह करंट की चपेट में आ गया, जिसके कारण उसके शरीर में आग लग गई। यह नजारा देख घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों की रूह कांप गई। घटना का पता चलते ही कुंडीपुरा पुलिस का स्टाफ मौके पर पहुंचा, उसके बाद पुलिस ने मर कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रेफर किया। पटेरा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 18,000 रुपए का गांजा जब्त करने में सफलता हासिल की है। पटेरा पुलिस ने देव डोंगरा के पास के एटीएम से एक थैले में से गांजा बरामद किया है। इस गांजे का वजन 1 किलो 800 ग्राम बताया जा रहा है, वहीं इसकी कीमत 18,000 रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को इस बात की सूचना एक मुखबिर से मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक विजय शिवहरे व थाना स्टाफ को मौके पर रवाना किया गया, जहां ये सफलता पटेरा पुलिस के हाथ लगी। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए भूरे साहू को न्यायालय में पेश कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 1 किलो 800 ग्राम गांजा भूरे पिता रामेश्वर उर्फ नन्नू साहू उम्र 24 वर्ष निवासी देव डोंगरा के कब्जे से दिन में लगभग 1:30 बजे
पकड़ा गया है। सनावत में एक महिला की मौत मधुमक्खी के काटने से हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला खेत जा रही थी, तभी पेड़ से मधुमक्खी का छत्ता गिरा और मधुमक्खियों ने महिला को लहूलुहान कर दिया। महिला के पूरे शरीर पर डंक के निशान आए हैं, जिसके बाद उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छिंदवाड़ा में शरद पूर्णिमा पर अनेक मंदिरों में देवी जागरण हुआ और राम मंदिर में रामलीला कलाकारों को पुरस्कृत किया गया। शहर के पूजा शिविर लॉन में ओबीसी युवा महासभा के तत्वाधान में एक दिवसीय गरबे का आयोजन भी किया गया। का प्रसाद पाने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़े। रात 9 बजे से श्रद्धालु यहां पहुंचने लगे थे और रात 3 बजे महाआरती के बाद मरीजों और श्रद्धालुओं को दवायुक्त खीर का वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों के लोग भी खीर का प्रसाद पाने राजनांदगांव पहुंचे। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।